नमस्ते आचार्य जी, वेरी हैप्पी टू सी यू। मैं वैभवी जोशी मुंबई से हूँ। आपको पिछले 1.5 साल से सुन रही हूँ। मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं और आपकी एक बात है जिसको मैं डेप्थ में समझना चाहूँगी। आपने कहा है अध्यात्म में रुचि इंटरेस्ट इतने मायने नहीं रखते। तो आई केम अक्रॉस ये भगवत गीता का एक श्लोक है, 18th chapter verse 47। इट सेज अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। सो फ्रॉम माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, कौन सा श्लोक है? 18th chapter 47 verse। 47वां है 48वां? 47। बोलिए। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सो फ्रॉम माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, श्री कृष्ण क्या आपने इंक्लिनेशन या स्वभाव के आधार पर काम करने की एडवाइस दे रहे हैं? और इफ आई कंपेयर विथ योर एडवाइस, इट सीम्स अ बिट पैराडॉक्सिकल, तो आपसे समझना चाहूंगी। इस पर तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इस श्लोक पर तो कम से कम 6 बार 5 बार बोला है। आपने इसका क्या अर्थ पढ़ा है? इसका अनुवाद आपने क्या पढ़ा है? आचार्य जी, मुझे ये जो समझ में आता है कि आप जो करने के लिए जो आपका पर्पस है, जिसके लिए आप ये दुनिया में आए हो, आपको वो करना चाहिए। तो स्वधर्म का मतलब है अहंकार के लिए वो कर्तव्य जो उसको आत्मा की ओर ले जाता है। इसमें आपकी जो प्राकृतिक रुचियां हैं या जो आप पर प्रभाव पड़े हैं, जिनके कारण आपकी पसंद नापसंद कुछ विकसित हो गई है, उसकी बात थोड़ी ही करी जा रही है। स्वधर्म का मतलब वो धर्म थोड़े ही होता है जो आपको बचपन से पढ़ा दिया गया है। नहीं, स्वधर्म का मतलब होता है कि अपनी पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, इंस्टिंक्ट्स इंक्लिनेशंस पर काम करना। स्वधर्म का अर्थ होता है वो काम करना जो तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। और उसके लिए कहते हैं कृष्ण के वो काम इतना ज़रूरी है कि वो करते हुए यदि मृत्यु भी मिल जाए तो अच्छी बात। इसमें ये कहाँ से आ गया कि अपनी रुचि के अनुसार काम करो? रुचि तो परधर्म होती है और परधर्म के लिए कृष्ण कहते हैं कि परधर्म भयावह होता है। ये अच्छे से समझिए, रुचि परधर्म होती है। सर, ये रुचि मतलब जो मुझे जो चीज मुझे करनी अच्छी लगती है। हाँ, जो कुछ भी आपको करना अच्छा लगता है वो परधर्म ही होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आपको करना बुरा लगता है वो स्वधर्म होता है, क्योंकि मन तुरंत विपरीत ध्रुव को पकड़ता है। मन कहता है कि जो करना अच्छा लगता है अगर वो परधर्म है तो स्वधर्म वो होगा जो करना बुरा लगता है। नहीं, जो करना अच्छा लगता है वो भी परधर्म है, जिसको कृष्ण कह रहे हैं भयावह है। जो करना बुरा लगता है वो भी परधर्म है। जो करना सही है वो अच्छे बुरे के तल से अलग कोई चीज होती है। न पता है कि वो अच्छी लगेगी, न पता है वो बुरी लगेगी। वो कभी अच्छी लग सकती है, कभी बुरी लग सकती है, कभी ना अच्छी लगे, कभी ना बुरी लगे।
कभी थोड़ी अच्छी कभी थोड़ी बुरी लगे, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसका अच्छे बुरे से कोई संबंध ही नहीं है, वो बस आवश्यक है। जो आवश्यक होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है, हो सकता है कभी अच्छा भी लग जाए। अच्छे पर नहीं चला जाता, आवश्यक पर चला जाता है। जो आवश्यक है उसको स्वधर्म कहते हैं। तो सर मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये कि इफ वी आर गुड एट समथिंग, जो मेरी स्ट्रेंथ है जिसमें मैं एक्सेल कर सकती हूँ, जो जनरली एडवाइस दी जाती है कि आपको ये काम करना चाहिए बिकॉज यू आर गुड एट इट, सो इज़न्ट दैट बेटर फॉर ह्यूमैनिटी एंड एवरीवन दैट समवन एक्सेल्स इन देयर स्किल्स? टुवर्ड्स व्हाट? और समवन कौन है ये जो आप कह रही हैं, समवन ये कौन है और उसकी स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? वैभवी तो ठीक है, वो कौन है? आप कौन हैं? आप एक अनफुलफिल्ड कॉन्शियसनेस हैं, ठीक। अब बताइए कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? मैं एक मरीज हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी? मेरे लिए क्या उचित है? मैं एक अतृप्त चेतना हूं तो मुझे क्या काम करना है जो मेरे लिए उचित होगा? ठीक होना। तो बस वही काम सही है आपके लिए, बाकी कोई स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं होती। काम का चयन इस आधार पर नहीं किया जाता कि कौन से काम में आपकी प्राकृतिक निपुणता है या जिसको कहते हैं प्रतिभा है। प्रतिभा वगैरह बहुत छोटी चीजें हैं। कोई चीज आवश्यक है उसमें आप अपनी प्रतिभा देखेंगी क्या? आपका कोई मित्र है वो आग में जल रहा है, घर में बंद है, आग लग गई है, आपकी स्ट्रेंथ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक जलते हुए घर में घुस जाएं। आपने फायर फाइटिंग का कोई कोर्स तो करा नहीं है। उसमें जो ट्रेंड और टैलेंटेड है उसको आने में अभी आधा घंटा है, ठीक है। दमकल की गाड़ी अभी आएगी आधे घंटे में, वो फंसी हुई है, और उनकी स्ट्रेंथ है आग बुझाना, आपकी नहीं स्ट्रेंथ है। तो आप क्या करेंगे? प्रतीक्षा करेंगे? आप कहेंगे मैं तो वो करूंगी ना जो मेरी स्ट्रेंथ है। और आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कोड लिखना, सॉफ्टवेयर कोड लिखना। तो आपका अंदर मित्र जल रहा होगा, आप बाहर बैठ के कोडिंग करेंगी, क्योंकि मेरी तो स्ट्रेंथ है कोडिंग। और आपकी बिल्कुल ये वीकनेस है आग, आग आपकी वीकनेस है, आप आग से डरती हैं, लेकिन आपका अंदर जल रहा है दोस्त। तो आप क्या करेंगे? कहेंगी जो मेरी वीकनेस का काम है मुझे थोड़ा ही करना है। काम ये देख के नहीं किए जाते कि स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, वो सब सीवी में लिखा जाता है, वो सब बहुत सतही और उथली चीजें हैं, उनमें कोई दम नहीं। काम स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं, आवश्यकता माने धर्म देख कर करे जाते हैं। कोई है उसको बचाना धर्म है। अब उसको बचाने की दिशा में मुझे कुछ आता हो नहीं आता हो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं यही देखूं कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी थी जो मुझे परवरिश से या शिक्षा से मिली थी, तो मैं तो एक ट्रेंड इंजीनियर था, एक ट्रेंड मैनेजर था। मेरे पास तो कोई शिक्षा या कोई डिग्री तो है नहीं कि पीएचडी इन वेदांत, लेकिन जो जरूरी है वो करना होगा ना। ये थोड़ी देखना होगा कि मेरी स्ट्रेंथ कहां पर है, स्ट्रेंथ हो नहीं हो, जो जरूरी है वो करना है, उसको ही स्वधर्म कहते हैं। कृष्ण वही समझा रहे हैं। इसी तरीके से जो अगला श्लोक है वो है आपके सामने अभी। हाँ सर। दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भ्रांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। इसका आपने क्या अर्थ पढ़ा है? जो मुझे समझ में आता है कि दोषयुक्त होने पर भी, that means even if you're not good at it, you should not give up on what you're doing.
सहज कर्म का अर्थ वो कर्म नहीं होता जो आसानी से हो जाए। सहज कर्म का अर्थ होता है आत्मिक कर्म। वेदांत 100 बार समझाता है सहजता का संबंध मात्र आत्मा से है। तो सहज कर्म नहीं त्यागने, इसका मतलब ये नहीं है कि सांस लेना नहीं त्यागना है। और आमतौर पे हम जिन जगहों पर अनुवाद और व्याख्या पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन और कमेंट्री, उनमें इसी तरह की बातें लिखी होती हैं। वो सोचते हैं कि सहज कर्म का मतलब है सांस लेना या खाना खाना या चलना फिरना, ये सब सहज कर्म नहीं आता, ये सब मूढ़ता के अनुवाद हैं। आपने भी शायद एक अनुवाद लिख करके भेजा था, वो बिल्कुल ही गलत था। आपने जहां से भी पढ़ा है वो अनुवाद बिल्कुल गलत है। वहां पर जो व्याख्याकार हैं वो कह रहे हैं सहज कर्म माने सांस लेना। सहज कर्म माने सांस लेना नहीं है, सांस लेना प्राकृतिक कर्म है, सहज कर्म नहीं। प्रकृति में सहजता नहीं होती, आत्मा में सहजता होती है। सहज कर्म है वो जो आपके सही केंद्र से, हृदय से, आत्मा से निकल रहा हो, उसको सहज कर्म कहते हैं। तो सहज कर्म को नहीं त्यागना है, सहज कर्म करते रहना है अपने सारे दुर्गुणों के साथ भी, क्योंकि आग के साथ धुआं तो हमेशा होता है। तुम में 100 दुर्गुण हैं लेकिन फिर भी आत्मा की राह चलते रहो। तुम में 100 दुर्गुण हैं, अपने सब दुर्गुणों को लेकर भी सही काम करते रहो। तुम में कितनी भी कमजोरियां हो, उन कमजोरियों के साथ भी सही काम करते रहो, ये समझा रहे हैं कृष्ण। लेकिन जो अर्थ आप पढ़ते हैं और जो आपने कहा, वो अर्थ इसके बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। अर्थ का अनर्थ कर दिया है बताने वाले ने। देखिए, मैं कोई बड़ा भारी ज्ञानी या विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन विनम्रता के साथ कहता हूं कि कम से कम वेदांत, भगवद गीता, उपनिषदों, इनका अर्थ सही करें। तो भगवद गीता पर अपनी सीमाओं के साथ जितना मैं कुछ बोल सकता था बोला है, वो बात पुस्तक रूप में उपलब्ध है, कृपा करके उसको मंगा लें। अगर आपका भगवद गीता में कुछ संबंध है, कोई आस्था है आपकी, तो उसको पढ़ लें। इसीलिए जब आपने पूछा तो मैंने तत्काल कहा कि इस श्लोक पर तो मैं इतनी बार बोल चुका, उसके बाद भी भ्रांति क्यों। इसी तरह गीता पर वीडियो कोर्सेज की पूरी सीरीज है, कृपा करके उसको आप प्राप्त कर लें। और ये देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे उन सब चीज़ों को विज्ञापित करना है, उनके विज्ञापन वैसे ही बहुत चलते रहते हैं, और क्या करूँगा। लेकिन आप इतने केंद्रीय श्लोकों को लेकर के इतने भ्रम में हैं, इसीलिए मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है आपको ये सलाह देना। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वो आपके बारे में। आज सुबह भी आपका जो वीडियो प्रकाशित हुआ था भैया, जिससे ये समझ में आता है कि आप अपना सारा वक्त अपने मिशन को, अपने काम को ही देते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, सर, डू यू एवर फील लेजी और डीमोटिवेटेड, एंड इफ यस, हाउ डू यू डील विद इट? मैं तो हमेशा ही डिमोटिवेटेड अनुभव करता हूँ, आलस भी रहता है, इसमें छुपाने की क्या बात है। हाउ डू यू डील विद इट, कुछ ज़रूरी है भाई, वही वाला उदाहरण, आग लगी हुई है अंदर, कोई फंसा हुआ है, अब आलस आ रहा है तो क्या करोगे, नहीं बचाओगे। जितनी वृत्तियाँ किसी भी साधारण इंसान में होती हैं, आप में हैं, किसी में हैं, वो मुझ में भी हैं। ये भी हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा ही हूँ, अब मैं क्या करूँ, वो सब तो शरीर के साथ आता है, इंसान पैदा हुए हो तो वो सब चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन उनसे बड़ा कुछ होना चाहिए जीवन में, सबके जीवन में होता है, बस ये स्वीकारना पड़ता है कि कोई दूसरी चीज़ है जो अपने आलस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, कोई दूसरी चीज़ है जो अपने आलस से, अपनी पसंद नापसंद वगैरह से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको प्रेम कह सकते हैं, उसको जिम्मेदारी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको।
थैंक यू सो मच.